अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लखनऊ का नवाबी जायका। और आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग और पालक, यानी कि मूंग के साथ में हम पालक को बनाएंगे। बहुत अच्छी सब्जी ये बनती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तेल को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है कढ़ाई में, और 50 ग्राम मैंने तेल लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही हमारा लाल होता है वैसे हम इसमें डाल देंगे दो सूखी लाल मिर्ची, मैंने इस तरीके से काट। अब हम इसमें डाल देंगे 12 से 15 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, और 4-5 हरी मिर्चें ली है, उसे बारीक इस तरीके से मैंने चॉप कर लिया है। देखिए ये हम इसमें डाल देंगे। इसे हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, जैसे हमारे लहसुन थोड़े से लाल हो जाएंगे अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, 1/4 चम्मच के करीब, छोटा चम्मच लिया है, और थोड़ी सी हल्दी ले लिए। अब थोड़ा सा हल्दी को हम पक जाने देते हैं। अब देखिए लहसुन अच्छी तरीके से पक चुके हैं और हल्दी भी इसमें अच्छे से पक गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं मूंग की दाल है। देखिए मूंग की दाल मैंने अच्छी तरीके से धो के रखी है, 50 ग्राम मूंग की दाल ले ली है, उसे हम इसमें डाल देते हैं। देखिए दाल हमने डाल दी है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कुनकुना पानी, थोड़ा सा डाल दें आप, आधा कप के बराबर, और इसे हम मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि हमारी दाल आधी गल ना जाए। देखिए 6-7 मिनट के लिए दाल को हमने पका लिया है और दाल आधी गल चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे धुली हुई पालक। तो मैंने 3 बंच, अगर आप बड़े वाले ले रहे हैं तो 3 बंच ले लीजिए पालक का, मैंने छोटे वाले लिए हैं तो 5 बंच है। तो इसे हम कढ़ाई में डाल देते हैं धुली हुई पालक को, इसे मिक्स कर देते हैं, नहीं तो 5 मिनट के लिए आप ऐसे ही छोड़ दें, खुद ही गल के बैठ जाएगी, फिर हम चलाएंगे इसे। ऐसे चलाएंगे तो आधी पालक गिरेगी। देखिए 2-3 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दिया था मैंने ढककर के पालक को, अब हम इसे चला देते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। अब हम इसमें नमक भी डाल देते हैं। मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, 1/2 चाय का चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। चला देते हैं इसे। अच्छी तरीके से चला दिया है मैंने इसे। अब हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे, बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। 7-8 मिनट हो चुके हैं सब्जी को हमारे पकते हुए, और देखिए इसका सारा पानी सूख चुका है और सब्जी हमारी एकदम रेडी है। तो इसे हम 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे। सब्जी को 2 मिनट के लिए हमने भून लिया है। देखिए तेल एकदम ऊपर आ चुका है, सब्जी हमारी अच्छी तरीके से भून चुकी है। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए हमारी मूंग और पालक की सब्जी बहुत अच्छी तरीके से बन करके रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे, और ट्राई करने के बाद में मुझे अच्छे से कमेंट करेंगे। और इंशाल्लाह मिलती हूँ कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।